हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, तो आप चलिए मेरे साथ में मेरे वीडियो में। देखिए इस तरह से ये वाले जितने भी हैं ना, केले के छिलके, पालक, बथुआ, मेथी और मूली के पत्ते, आलू के छोटे बड़े टुकड़े, सब जितने भी है, मतलब आप देख ही रहे हो क्या क्या है इसमें। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो इनको एक जगह जमा कर देती हूँ, फिर बाद में इस बाल्टी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको भर दिया है। अब इसको एक दिन हो चुका है, दूसरे दिन मैं इसको पौधों में डालूँगी। और पौधों में ऐसे ही नहीं डालना है फ्रेंड्स, इसको छानना है अच्छी तरह से। तो छानने के बाद में ही थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा पानी मिलाना है जितना है। अगर ये दो जग अगर इसमें छान के लिया है तो इस बाल्टी को पूरा भर करके और भी साफ पानी इसमें भर करके तभी डालना है, क्योंकि लिमिट में डालना है हमें। तो इस तरह से सारे पौधों में इस तरह से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जाएगा पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। पौधों की अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो ग्रोथ होगी, पौधों में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, फ्रूटिंग नहीं हो रहा है तो वो भी होगा। और 15-15 दिन में हमें इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र घर में खुद बना करके देना चाहिए। खरीदने अगर आप जाओगे तो बहुत कॉस्टली आते हैं, तो इस तरह से आपके घर के जो भी किचन के वेस्ट निकलते हैं आप उसको एक दिन पानी में डाल दो, और इस तरह से उनका पानी का जितने भी उसमें पोषक तत्व होंगे सारे पानी में घुल जाएंगे और पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। ये सारा जितना भी विटामिन मिनरल्स है, जितने भी सब्जी फल जो भी था इसमें, तो सारा इस तरह से फ्रेंड्स, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, पैसे की भी बचत है और जो हमारे किचन के जो वेस्ट निकल रहे हैं उसकी भी बचत, उसकी भी यूज़ कर लिया हम लोगों ने, है ना, कई सारे फायदे। तो इस तरह से हमें बीच में अपने किचन से जो भी वेस्ट निकलता है तो उसको यूज़ करके हमें जो वेस्टेज है उसका यूज़ के साथ साथ पैसे की भी ने बचत करनी है। तो देखिए, और दूसरी बात क्या है, इसको ढक करके रखना है, जो पानी के जो भी आप रखते हो ना सब्जी के छिलके छिलके जो भी, उसको पानी के साथ रखते हो तो ढक के रखना है ताकि जो उसमें फफूती फफूती ना लगे। अगर फफूती लग जाएगा उसको छान के भी डालेंगे तो पौधे के लिए नुकसान है। और गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गमले की मिट्टी अगर सूखी रहेगी तभी, अगर हम गीली मिट्टी में डालेंगे तो फिर और क्या होगा, ये नुकसान फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ही करेगा, इसकी जड़ सड़ जाएगी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद 10-15 दिन के बाद में तब हम दूसरे फर्टिलाइजर दे सकते हैं, क्योंकि बीज में ऐसा नहीं कि अभी दिए हैं तो तुरंत ही हम दूसरा सूखा फर्टिलाइज़र डाल दें, गोबर की खाद, कुछ भी, गोबर में कंपोस्ट वगैरह, क्योंकि इससे पौधों को फ़ायदा के बजाय नुकसान ही होगा। जैसे हम लोग हैं ना, ज़्यादातर ऐसा नहीं कि तुरंत सब कुछ एक साथ में खाना खा लिया तो हमें नुकसान ही होगा ना, हमारा फ़ायदा होने के बजाय। तो इस तरह से पौधों के साथ भी हमें इसी तरह से करना है, तो कुछ दिन रुक करके ही तब हम दूसरा उसको जो भी कंपोस्ट वगैरह देंगे वो बाद में 15-20 दिन का गैप रखते हैं इसके बीच में। तो इस तरह से सारे पौधों को हमें ध्यान में रख करके एक एक करके सबको इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप ज़रूर यूज़ करोगे। इस तरह से आपके किचन का जो भी कंपोस्ट निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, लिक्विड भी दोगे साथ साथ में और उसको ड्राइव करके भी दोगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।